रोहतास के चिनारी थाना अंतर्गत पिवंदी गांव में 12 मई को हुए सांप्रदायिक दंगों के मामले में आरोपी बनाए गए बरकत अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बरकत अली की गिरफ्तारी पिवंदी स्थित उसके घर से हुई है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस के द्वारा उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट के निर्देश पर उसे जेल भेज दिया गया। अभी तक इस मामले में करीब 43 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बताया जाता है कि 12 मई को पिवंदी गांव में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। इस घटना में कई लोग घायल हो गए थे। इस घटना के बाद दोनों पक्षों के द्वारा चिनारी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें 108 नामजद व 300 अज्ञात लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से पुलिस लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी अभियान चला रही है। इसी छापेमारी अभियान के तहत गुरुवार को बरकत अली को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि अभी भी कई नामजद अभियुक्त फरार चल रहे हैं, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। मामले के अनुसंधानकर्ता एसआई अनिल सिंह ने बताया कि घटना के बाद से ही बरकत अली फरार चल रहा था। इसकी गिरफ्तारी शुक्रवार को की गई। अनिल सिंह के अनुसार बरकत अली पर पूर्व में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये गिरफ्तारी जो हुई है किस मामले में? दंगा वाला में 74-200-2020 में। इन पर पहले से भी कोई मुकदमा था? पहले का बहुत आपराधिक इतिहास है। ये क्या नाम हुआ? अनिल कुमार सिंह। कौन सा था ना? चिनारी।